ये गाना सुने हैं ना, इस वीडियो के शुरुआत में ये गाना को हम आप लोगों को क्यों सुनाए हैं, ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आप खुद समझ जाइएगा। पहले थंबनेल में जो आपने देखा है उस पे आते हैं। देखिए, भोजपुरी गाना का चर्चा आजकल जहाँ भी आप सुनिएगा, चाहे व्हाट्सएप हो जाए, फेसबुक हो जाए, या ऑफलाइन भी चर्चा जब हो जाए, तो अभी भोजपुरी के नाम पे आपको एक शब्द बहुत जो है ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा, वो है अश्लीलता। लोगों का ये कहना है कि भोजपुरी में अश्लीलता भरी हुई है, भोजपुरी में फूहड़ शब्दों का प्रयोग होता है, भोजपुरी गानों में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे भाईचारा बिगड़ता है। देखिए, कुछ हद तक ये बात सही भी है, इसमें दोष सुनने वाले का भी है तो कहीं ना कहीं दोष बनाने वाले, ऐसे कंटेंट बनाने वाले लोगों का भी है। सभी लोग अपने अपने तरीके से इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे चैनल पे भी इसका एक सेगमेंट चल रहा है, जिसके तहत हम लोग भोजपुरी के कलाकारों के कुछ अच्छे गाने को दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि उस अच्छे गाने को देख के सुनने वाले लोग और कंटेंट बनाने वाले लोग दोनों को समझ में आए कि कुछ अच्छा बनाकर भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सकता है। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। भोजपुरी के आज कुछ ऐसे गाने को हम लेके आए हैं जिसे सुनकर आपको भोजपुरी पे गर्व होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल आज तक आपने सुना होगा कि भोजपुरी में बॉलीवुड से गाना को कॉपी किया जाता है। बहुत सारा यूट्यूब पे आपने वीडियो भी देखा होगा, बहुत सारा गाना जब आप भोजपुरी के सुनते होंगे तो आपको साफ पता चलता होगा कि किस तरह से भोजपुरी गाना जो है बॉलीवुड का कॉपी किया हुआ होता है। लेकिन आज हम आपको कुछ भोजपुरी के ऐसे गाने को सुनाने वाले हैं, कुछ ऐसे गाने के बारे में बताने वाले हैं जिसका बॉलीवुड ने कॉपी किया है। जी हाँ, भोजपुरी में एक समय भोजपुरी का जो है इतना महत्व था, भोजपुरी में इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बन रहा था कि बॉलीवुड वाले भी भोजपुरी का नकल करते थे। अब मैं फिर से आता हूँ शुरुआत में मैंने जो गाना सुनाया था उस पे। अब इनको पहचानते हैं आप, नाम है इनका सिद्धार्थ मल्होत्रा, बॉलीवुड के हीरो है साहब। दरअसल इनको जो है एक प्रोग्राम में इन्होंने एक बयान दिया था कि इनको भोजपुरी से लैटिन वाली फीलिंग आती है। अभी साहब को ये वीडियो शेयर करके बताइए कि जिस गाने पे ये थिरक रहे हैं, दरअसल ये गाना जबरिया जोरी नाम के एक फिल्म की है, हाल ही में आया है, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा। तो दरअसल ये सिद्धार्थ मल्होत्रा जी को बताइए कि जिस गाने का प्रयोग ये अपने फिल्म में किए हैं, जिसका क्रेडिट तक नहीं दिए हैं, वो गाना दरअसल भोजपुरी का है। भरोसा नहीं होता तो ये सुनिए। पटना हिले कलकत्ता हिले ला तोहरी लचक जब कमरिया हो सारी दुनिया हिले ला। ये एक लौता गाना नहीं है जिसका बॉलीवुड ने कॉपी किया है। बहुत जो है प्रचलित एक फिल्म है दबंग, सलमान खान का, उसमें एक गाना था मुन्नी बदनाम हुई, सुनिए। इस गाने को गाया था ममता शर्मा और ऐश्वर्या निगम ने। आपको बता दूं कि इस गाने के लिए इनको बेस्ट फीमेल सिंगर ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आप ये जानकर चौंक जाइएगा कि ये गाना भी भोजपुरी का कॉपी किया हुआ गाना है। दरअसल वर्षों पहले ये गाना भोजपुरी में आ चुका है। इस गाना को पहले आप सुनिए। ये गाना दरअसल यूपी बिहार में नौटंकी प्रोग्राम में खूब प्रयोग होता है। ये गाना का ओरिजिनल जो वर्जन है वो उसको गाया है तारा बेगम फैजाबादी ने। ये गाना भी भोजपुरी का है और इसको बॉलीवुड ने कॉपी किया है, और बॉलीवुड के इस सॉन्ग में जो दबंग में गाया गया है उसमें कहीं से कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गया है भोजपुरी को, और बजाते जो है गाना बहुत पॉपुलर भी हुआ, सब लोग गुनगुनाए भी इस गाने को, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये भोजपुरी का ही गाना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये गाना है 1998 में आई दुल्हे राजा नामक फिल्म का। इसमें मुख्य किरदार गोविंदा ने निभाया था, अपने समय का बहुत जो है सुपरहिट फिल्म था, सुपरहिट ये गाना था। और आपको ये बता दें कि ये गाना भी भोजपुरी की कॉपी की गई थी, भोजपुरी का ये गाना, आप सुनिए। जब से सिपाही से भाई ले हवलदार हो न थुनिए पे गोली मारे सैया। इस गाने को गाया था भोजपुरी के सिंगर मुन्ना सिंह ने। एल्बम का नाम था चुनरी से चुएला गुलाब,
1997 में एल्बम आया था और इस गाने को भी उस समय बिहार यूपी में खूब पसंद किया जा रहा था। इस गाने को भी बॉलीवुड में जो है कॉपी किया गया, यहाँ भी कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है। अगले गाने की ओर चलते हैं। ये गाना जो है हूबहू बिना कोई एडिट किए हुए दबंग 2 में फिर से प्रयोग किया गया सलमान खान की फिल्म में। अब ये गाना भी भोजपुरी की एक प्रसिद्ध लोक गीत है, आप ये सुनिए। और अब अंत में एक और फिल्म का नाम बताते हैं, आमिर खान का फिल्म था पीपली लाइफ, आप सबने सुना होगा नाम, उसमें भी एक गाना है, ये सुनिए। अब मैं ये फिर से बता देता हूं कि ये गाना भी भोजपुरी का कॉपी किया हुआ गाना है, आप ये सुनिए। सैया तो खूबई कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते। आपने देखा किस तरह से बॉलीवुड भी भोजपुरी के गाने को कॉपी करता है। ऐसे में आज के तथाकथित सुपरस्टार जो भोजपुरी के हैं वो जिस तरह से फूहर गानों को गा रहे हैं, ऐसे अश्लील जो है शब्दों का प्रयोग करके कंटेंट को बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं भोजपुरी से जुड़े लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। इन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि एक समय में इस भोजपुरी को लोग इतना पसंद करते थे, इस भोजपुरी में इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बनता था कि बॉलीवुड भी जो है इसका कॉपी करता था। अब जब वहीं आज के डेट में अगर देखा जाए तो बॉलीवुड के कई गानों को भोजपुरी वाले लोग जो है कॉपी कर रहे हैं। तो ये वीडियो को आप खूब शेयर करिए, भोजपुरी में कंटेंट बनाने वाले लोगों तक दिखाइए, उनको उन तक पहुंचाइए और उनको समझाने का प्रयास करिए कि भोजपुरी को एक बार फिर से जो है जो गौरव पहले हासिल हुआ था उस गौरव की ओर ले जाने की ज़रूरत है, अच्छे कंटेंट बनाने की ज़रूरत है और एक बार फिर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे बना दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की लोग कॉपी करें, ना कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री लोगों की कॉपी करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपको पहले से पता था या नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए इजाज़त चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।